सुच्चा सिंह छोटेपुर को लेकर पार्टी में बवाल बढ़ने के बाद पार्टी के नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए और छोटेपुर के तमाम आरोपों को खारिज किया। पंजाब के संयोजक पद से आम आदमी पार्टी सुच्चा सिंह छोटेपुर को हटा चुकी है। जांच कमेटी का ऐलान हो चुका है, लेकिन सुच्चा सिंह के समर्थकों ने गुस्से का इजहार किया तो पार्टी आला कमान भी सोचने पर मजबूर हो गई। शायद यही वजह है कि मीडिया के बार बार पूछने पर भी संजय सिंह जवाब देने से बचते रहे। आखिरकार उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जांच कमेटी गठित हो चुकी है और उसकी जांच पूरी होने तक कोई भी पार्टी का नेता ऐसा बयान नहीं देगा जिससे नुकसान हो जाए। जब तक ये जांच कमेटी है, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी पार्टी की किसी लीडरशिप के तरफ से एक दूसरे के बारे में ना की जाए और उसको हम सारे लोगों को उसका पालन करना है। अभी पार्टी का स्टैंड फिलहाल यही है। उधर नाराज कार्यकर्ताओं के अलग पार्टी बनाने के सवाल को संजय सिंह ने टाल दिया, जबकि गुरप्रीत घुग्गी ने इसे आम आदमी पार्टी की आंधी को रोकने की साजिश करार दिया। देख रही हैं आम आदमी पार्टी की जो आंधी देख रही हैं कि जो अब लोग एक तरफ हो चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। एक स्टिंग के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर को पार्टी के पंजाब संयोजक पद से हटा दिया था। पुनीत परिंजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़।